नमस्कार दोस्तों, चेतन आर्ट ऑफ चार्ट की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी को गुरुवार के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली हमें आज बुधवार के दिन की, जो क्लोजिंग हमारी वो 41,000 के आसपास की है, और हम कल की क्लोजिंग जो अगर हम सोमवार की जो अगर क्लोजिंग देखते हैं 40,813 के आसपास की क्लोजिंग है। 40,813 से हम आज गए हैं, 40,813 की क्लोजिंग थी सोमवार की, और बुधवार की जो क्लोजिंग मिली हमें वो 41,999 की क्लोजिंग मिली है, और हम इस तरह से बैंक निफ्टी को प्लस में 186 पॉइंट प्लस में जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। दोस्तों, चार्ट पे कुछ चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, वो क्या समझेंगे वो अभी हम सिखाएंगे। चार्ट पे 186 पॉइंट प्लस में जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। बैंक निफ्टी अब धीरे धीरे करके ही ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन एक मूवमेंट आपको डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है, जो कि अच्छा एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा वो जानेंगे हम इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन हमारी हमने लगा रखी है चार्ट पर, ये ट्रेंड लाइन को आप जरा ध्यान से देखिए। हम ट्रेंड लाइन के पास पहुंच चुके हैं, ट्रेंड लाइन से हल्का सा रिजेक्शन तो दिया है, इतना भी रिजेक्शन नहीं बदल, लेकिन बैंक निफ्टी अब धीरे धीरे जाकर अपना दम तोड़ने लगा। क्यों? जैसे जैसे इस रेंज में रेंज का ब्रेकआउट करते हैं बैंक निफ्टी, जब इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है तो धीरे धीरे करके जा रहा है, बहुत स्लोली स्लोली इसके ट्रेंड लाइन के पास धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो अब देखने वाली बात यह है, क्या गुरुवार के सेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर एक बड़ी मूवमेंट तेजी जो हम जिसे बोल सकते हैं बैंक निफ्टी में मिल सकती है। अगर तेजी मिलेगी तो कौन से लेवल तक मिल सकते हैं? दोस्तों, तेजी जो देख रहे हो आप बैंक निफ्टी में, तेजी आपको देखने को मिलेगी तो बैंक निफ्टी अगर कल अगर कोई नया हाई लगाता तो एक अच्छा हाई भी आपको देखने को मिल सकता है, और यहीं से रिडक्शन भी लेता तो एक बड़ा मूव आपको एक्सपायरी दिन जरूर मिलेगा, या वो डाउन साइड का हो या अप साइड का हो, मूवमेंट आपको जरूर मिलेगा बैंक निफ्टी में गुरुवार को। आज बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हल्का फुल्का धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर ही गया है। 40,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जैसे कि हमने वीडियो में कल भी डिस्कस किया, आज ले 800 के नीचे इंपोर्ट साइड जाएंगे। 40,800 10-20 से ये वापस साइड घूम गया था और नया हाई लगाया 41,070 के आसपास इन्हें हाई लगाया है। दोस्तों, अब देखते हैं बैंक निफ्टी को हम गुरुवार को किस तरह से ट्रेड करेंगे। इस ट्रेंड लाइन पर जरा आप नज़र बना के रखिएगा, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, गुरुवार के सेशन में आपको एक बड़ा मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, वो अपसाइड का हो साइड डाउन साइड का मूव हो, एक मूव आपको जरूर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमने आज 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है और ये 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट पे हम आपको चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को सीखेगा समझेगा उसके बाद ही आप जाकर को ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको सिखाया जाता है उसे पेपर ट्रेड के लिए, कोई भी इस वीडियो को देखकर रियल ट्रेड ना करें। रियल ट्रेड करने से पहले काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ट्रेड पर, फिर जाकर आप रियल ट्रेड करिएगा। दोस्तों, 15 डेज का ये चार्ट है और 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस मूविंग एवरेज को आप फॉलो करिएगा तो ये आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। जब तक हम इसके ऊपर एक बाइंग साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा, जब भी इसके पास आता है एक बाइंग साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, 40,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज हमारा 50 दिन का, ये भी 40,800 के आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके कल भी ये 40,800 10-20 के आसपास पहुंच सकता है। हम पुट साइड दोस्तों तब भी ज़्यादा बेरिश होंगे जब 40,800 का लेवल अगर टूटता है, तो फिर पुट साइड में हमें 200-300 पॉइंट की गिरावट, 300 पॉइंट के लमसम जो 40,500 का वापस आ सकते हैं, वो गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन 40,800 के लेवल को ब्रेक होने के बाद। अपसाइड मूवमेंट कब मिलेगी? दोस्तों, अपसाइड मूवमेंट जो आपको बड़ी मूवमेंट अगर अपसाइड मिलनी है तो वो मूवमेंट मिलेगी आपको 40,125 के ऊपर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये लेवल आप ध्यान में रखिए, 40,125 का लेवल, इस लेवल के ऊपर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी यहाँ से 200-250-300 पॉइंट तक अपसाइड जा सकता है, तो ये गुरुवार के दिन एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी आपको दोनों साइड के मौके भी दे सकता है, कैसे दे सकता है दोस्तों वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये लेवल को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 40,125 के ऊपर आपको एक बाइंग साइड अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, और डाउन साइड के मूवमेंट के लिए आप 40,800 के लेवल को ब्रेक करेगा तभी एक डाउन साइड अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में घूमता रहा तो ये 40,800 से लेकर 40,100 के बीच में ही घूमता रहेगा, और अपसाइड और डाउन साइड दोनों मूव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ा डाउन मूव और बड़ा अपसाइड मूव इन लेवल का ब्रेक होने के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे।
आप चार्ट पर भी कल इन चीजों को जाकर देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। बैंक निफ्टी जब भी 40,800 के पास या 40,125 के आसपास पहुंचता है तो वहां से क्या रिएक्शन करता है बैंक निफ्टी, कुछ रेंज बनाता है क्या, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, वो भी पेपर ट्रेड से और एक लॉट के साथ। तो दोस्तों अब देखते हैं बैंक निफ्टी को कल किस तरह से ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं, और हाँ वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब देखने वाली बात है, अगर बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में ओपन होता है, जो हमारा जोन निकल के आता है, ये जो हमारा जोन निकल के आता है दोस्तों 40,950 के आसपास से लेकर 41,050 का जोन पकड़ लिए, 40,950 से 41,950 का जोन पर अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद कुछ देर सस्टेन करे, जैसे हर रोज ही सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, हर सस्टेन करने के बाद तो आज भी एक हैमर पैटर्न बनी, हैमर पैटर्न का जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा अपसाइड मूव मिला आपको देखने को। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, और ये आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप चार्ट को अच्छे तरह से रीड कर पाओगे दोस्तों। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अगर कॉल साइड इस हैमर पैटर्न बनने के बाद आप जैसे कॉल साइड जाते हो दोस्तों, मैं चार्ट को दिखाता हूँ, होता है कि आपके साथ चलने लिए वो आपको, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, चीज़ों को हम बारीकी से सीखे जाएंगे और मैं ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, आप एक अच्छी तरह से समझ पाओगे वीडियो को। तो 40,800 मैंने वीडियो में कल भी डिस्कस किया था, एक इम्पोर्टेंट रोल है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई बार वीडियो में कि 40,800 के आसपास जब भी बैंक निफ्टी अगर मिलता है, कल भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ से अगर कोई हैमर पैटर्न मिलता है तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे हम कॉल साइड गए, एक रेड कैंडल हमें यहाँ देखने को मिल गई, हम यहीं से भाग गए, ऐसा नहीं है होता है। आप प्रॉपर एंट्री लीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिएगा सिस्टम का, तभी मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट जरूर देके जाएगा, लेकिन आपको एंट्री स्टॉप लॉस जरूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे लाता है आपको ऐसे देना पड़ेगा। आपने अगर एंट्री ली है सही जगह, हैमर पैटर्न बना है, हैमर पैटर्न आप आता हमने एंट्री ली है, तो ऐसे आप हैमर का रखिएगा और कुछ बड़े टारगेट प्लान करेगा दोस्तों। ऐसा जब भी सिचुएशन कैसे मिली, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि कल आज की ट्रेडिंग के लिए कल के दिन का हाई लो और क्लोज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज देखिए सोमवार की जो क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग लमसम हमारी 40,813 के आसपास की क्लोजिंग थी। अब बैंक निफ्टी ओपन ही गैप अप ओपन होता है और धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है, और 40,800 के आसपास जैसे ही आता है यहाँ से हैमर पैटर्न बनता है, और हैमर पैटर्न बैंक निफ्टी को कहाँ ले के जाता है, 41,073 के आसपास कुछ ऐसा हाई लगा है बैंक में। प्रॉपर बता देता हूँ मैं, जो हाई लगा है बैंक निफ्टी में 41,071 का हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने आज 41,071, और हम कहाँ से निकल रहे हैं, 40,800 से निकल रहे हैं और 41,071 का हाई लग रहा है, मतलब 250 पॉइंट की मूवमेंट लमसम आपको इसमें देखने को मिले। तो ये मूवमेंट मिस नहीं होनी चाहिए दोस्तों लमसम, इस मोमेंट को पकड़ने के लिए ऐसा ही सिचुएशन को देखनी पड़ेगी, और ये सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ बनता है तो ये टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन भी थी यहाँ से, जिसने रिजेक्शन लिया हल्का, और ट्रेंड लाइन को मुझे लगता है ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके वापस थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ी गिरावट आपको 40,800 के नीचे की देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के कल अगर इसी जोन में ओपन होता है 950 से लेकर 41,050 के बीच में अगर ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होने के बाद कुछ देर बैंक निफ्टी को सस्टेन करने दीजिए, सस्टेन करने के बाद ये अपसाइड अगर ब्रेक करता है, और पहला जो टारगेट हमारा निकल के आता है वो कब निकलेगा, पहला टारगेट कौन साइड हम जब जाएंगे, जब जो 40,030 का लेवल ब्रेक करेगा, 40,030 का लेवल अगर ये 32 का लेवल पकड़े, 32 के लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो टारगेट मिलेगा दोस्तों 41,115 का, 41,115 का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा दोस्तों। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये रेजिस्टेंस यहाँ से ले सकता है दोस्तों, और बड़ा जो सेकंड टारगेट मिलेगा आपको अगर इसके बाद अपसाइड मूव भी करता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को यहाँ होल्ड करने दीजिएगा, या कोई रेंज बनाने दीजिएगा, या कोई प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर, तो फिर सेकंड टारगेट जो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा वो जो है 41,234 के आसपास सेकंड टारगेट मिलेगा आपको, 41,234 के आसपास का टारगेट मिलेगा। थर्ड टारगेट मिलेगा आपको दोस्तों 41,370 के आसपास,
46,366 का लेवल पकड़ के चले, 41,366 एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर के रूप में काम करो। ये जब भी लेवल आए दोस्तों यहाँ एक बार 17 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कोई ट्रेड लेके जा रहे हो तो कुछ क्वांटिटी होल्ड कीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उस प्राइस एक्शन बनता रहे तो फिर आप ट्रेड करते रहिए स्टॉप लॉस को, और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी भी कम करते रहिए। जैसे जैसे हमने टारगेट के पास होते कुछ क्वांटिटी जरूर आप बुक कर लीजिए, अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर लोगे। कुछ प्रॉफिट अगर आप घर लेके जाओगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाओगे। ऐसा नहीं होगा आपने सुबह सुबह प्रॉफिट किया और शाम को सारा प्रॉफिट देके गया, साथ में जीएसटी भी आते थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर प्रॉफिट एक बार दिन में अगर स्टार्टिंग में अगर प्रॉफिट बन जाता है 9:15 से मार्केट से, अगर आपकी 11-12 के बजे बीच में अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट का कम से कम 50-60% आप घर लेके जाएगा, बाकी जो प्रॉफिट बचता है उसे आप रिस्क ले सकते हो। अब दोस्तों पुट साइड कब जाएंगे? दोस्तों पुट साइड तब जाएंगे जब ये 40,950 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड जाएंगे। इसी जोन में ओपन होने के बाद 40,950-945 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम पुट साइड जाएंगे, और पुट साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट किस इस प्रकार के रहेंगे दोस्तों। पहला टारगेट रहेगा हमारा 40,850, इम्पोर्टेंट 40,840 का जोन पकड़े, 40,840 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 40,730 का, 40,730 का। थर्ड टारगेट रहेगा दोस्तों हमारा 40,620 का, और हमारा फोर्थ टारगेट रहेगा अगर इससे नीचे भी अगर बैंक निकलता है तो हमारा फोर्थ टारगेट और लास्ट टारगेट रहेगा 40,510 का टारगेट निकल के आता है दोस्तों। तो इन टारगेट और लेवल को ध्यान में रखिएगा, और इन लेवल पर जब भी जाते हैं तो सतर्क रहिए और प्राइस एक्शन बनने दीजिए, रेंज बनने दीजिए, फिर जाके ट्रेड करिएगा दोस्तों। मैंने वीडियो में कई बार आपको बताया प्राइस एक्शन रेंज को अगर आप फॉलो करते हो, उनको चार्ट पे कुछ पैटर्न बनते हैं उनको फॉलो करते हो, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं आप उनको फॉलो करते हो, तो ये आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप या गैप डाउन ही ओपन हो गया तो हम उस स्थिति में किस तरह से ट्रेड करेंगे दोस्तों। मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर 41,200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होता तो जरूर जो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला वो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर 41,200 के पास अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, यहाँ से अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है या कोई पीरी सिंगल पिंक कैंडल मिलती है तो हम पुट साइड जरूर जा सकते हैं। पुट साइड टारगेट यही प्लान करेंगे वापस 41,000 के राउंड फिगर के आसपास ही, हम 200 पॉइंट का ही मूवमेंट रखा, 40,200 के आसपास 41,200 के आसपास ओपन होते हैं तो हम 41,000 का जो राउंड फिगर लेवल है इसी के आसपास हम तक वापस बैंक निफ्टी पहुंच सकता है, क्योंकि ये आज की क्लोजिंग भी है दोस्तों यहां तक पहुंच सकता है। और इसका लेवल अगर लेवल यहां रेंज बनने के बाद ये अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर पुट साइड और भी आप टारगेट प्लान कर सकते हो, लेकिन रेंज बनने के बाद या कोई प्राइजेक्शन बनने के बाद ही हम पुट साइड ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो ये अगर 41,200-300 के आसपास ओपन होती है तो आपको डाउन साइड के टारगेट जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होते ही ऊपर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, प्राइस एक्शन बनेगा, रेंज बनेगी या फिर कल के लो के आसपास जरूर बैंक निफ्टी लो के आसपास कल के हाई के आसपास रह सकता है, कल की क्लोजिंग के आसपास जरूर बैंक निफ्टी एक बार वापस टच करेगा, गैप फिल करेगा, उसके बाद ही बैंक निफ्टी अपसाइड का मूव जो भी देना है बैंक निफ्टी वो बैंक निफ्टी करेगा। और बैंक निफ्टी अगर दोस्तों गैप डाउन ही ओपन हो गए 40,800 के आसपास तो जैसे ही ये कैंडल आपको ये दिख रही है हैमर पैटर्न, ऐसा हैमर पैटर्न अगर आपको देखने को मिले या बुली सिंगल पिंक कैंडल आपको देखने को मिले यहाँ से आप कॉल साइड जा सकते हो, टारगेट वही हो जाएंगे आप 41,000 के आसपास का टारगेट आप फिर से लेकर चल सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बुलिश कैंडल बनने दीजिएगा, कुछ रेंज बनने दीजिएगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसका वेट करिएगा। देख आपको क्या चीज़ें हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है वो वेट नहीं करते हैं दोस्तों, तो रिटेल ट्रेडर को वेट करना सीखना चाहिए। अगर वेट करना आ जाएगा तो प्रॉफिट ट्रेड जरूर आप बनोगे, इसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है, लेकिन आपको वेट करना आना चाहिए। कुछ रेंज बनने दीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, कोई सपोर्ट एक्शन का जोन बनने दीजिए, जोन को आप ट्रेड करोगे जरूर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड करोगे दोस्तों। ये मूविंग एवरेज जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, मूविंग एवरेज पर आप अगर बोलोगे अगर कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक जरूर नई वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मूविंग एवरेज के ऊपर और कुछ इंडिकेटर और कुछ चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं एक नई वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। अगर आप कुछ कमेंट और लाइक करोगे इस वीडियो को तो मैं जरूर एक नई वीडियो जरूर लेके आऊँगा जिसमें आपको मूविंग एवरेज के बारे में और कुछ ईएमए और कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जरूर आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।